ना, मेरा नाम मोहम्मद बशीर है, मेरे लड़के का नाम मोहम्मद रफ़ी है। जनाब 2015 से मैं वो घर से निकला था एतवार के दिन, तो उस दिन से लेकर आज तक मुझे कोई पता उस बात का नहीं चला उसका, वो जिंदा है या मर गया है या मुझे कोई गुंडा ले गया या क्या मेरे सिर भिड़ गई। तो गवर्नमेंट ने भी मुझे मेरी कुछ मदद नहीं की, पुलिस ने भी मेरे लिए की मदद, लेकिन अभी तक कोई पता मुझे नहीं चला। अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल की गुजार रहे, लोगों से मांग कर, मेरे घर में कुछ खाने पीने के लिए नहीं, मैं चुप कर घर में बैठे हूँ और लोग मेरी मदद देख रहे, हालत क्या है, क्या अब मेरा दिमाग बुरा फेल हो चुका। जनाब मैं मुश्किल से ये बात जनाबों के सामने, जनाब वो सरकारी मुलाजम था तो उसका कोई पैसा नहीं मुझे मिला, नहीं जनाब मेरा दिमाग इस वक्त काम करता है। जनाब को बच्चे की नौकरी मुझे चाहिए, मुझे कुछ मेरी मदद होनी चाहिए, वो एक गवर्नमेंट मुलाजम था तो मेरे लिए तो कुछ भी नहीं। हम ये बात चाहते हैं कि जो इस घर में रहते हैं दादू, वो बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजारते हैं। हम रात को सो जाते हैं, वो रात को बाहर ही रहता है रफ़ी के इंतज़ार में, क्या रफ़ी कहीं से मिलेगा। आज 8 साल हुए वो कहीं नहीं मिला उसको, और दिन रात वो उसका ख्याल ही में है, और ये पता नहीं कहाँ है तो कहाँ नहीं। अब ये सोच रहा है वो कि अगर मुझे नौकरी मिल जाए दूसरे बेटे के लिए या पैसे मिल जाएँ तो मैं किसी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो बड़ी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। हम ये बोलते हैं अगर कुछ, अब तो वो तो नहीं मिला, अगर उसके बारे में कहीं पैसे मिल जाएं या तो नौकरी बच्चे दूसरे को मिल जाए तो वही बड़ी मेहरबानी है। आप मोहम्मद रफ़ी गुजर एक टीचर हमारे पीएस सिब्बा से था, जो पहले ईवी लगा था, उसके बाद आरईटी 26/6/2008 में आरईटी आर्डर हुआ उसका, और 26/6/2013 में वो आरईटी बना। उसके बाद बदकिस्मती से वो 2015 में मिसिंग हुआ है, कहीं उसकी मिसिंग रिपोर्ट डाली गई, तो उसके बाद हमने भी जो है पुलिस को रिपोर्ट दी हुई है, पुलिस ने उसमें तहकीकात भी की थी कि उसका कोई अता पता नहीं लग रहा है, तो अभी तक वो मिसिंग में ही है, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट से भी हमें कोई क्लियरेंस नहीं आई। इंशाल्लाह मैं दोबारा पुलिस डिपार्टमेंट से क्लियरेंस मांगूंगा कि उसके बारे में क्या आगे हुआ है, अगर कोई उसका कोई अता पता मिलता है तो हमें भी उनसे रिपोर्ट हम मांगेंगे पुलिस डिपार्टमेंट से। जी वो तो आरईटी था, इसलिए अगर हमें उसकी की रिपोर्ट आती है कि अगर वो कहीं लापता होने के बाद अगर रिपोर्ट आती है कि मर गया था या कुछ उसका हो गया है लास्ट, उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी फाइल दे सकते हैं, तो तब उनका फ़ायदा उनके परिवार को मिल सकता है। वेरिफिकेशन मुकम्मल हो जाए वो हमें उन्हीं से रिपोर्ट मिल सकती है, उसके बारे में डिसीजन उनका ही होगा कि उसके बारे में क्या वो देते हैं, उसके बाद डिपार्टमेंट जो है इसको आगे प्रोसीड करेगा। अल्लाह हम लिखेंगे पुलिस को दोबारा कि उसके बारे में क्या तहकीकात हुई है और कहां तक मसला पहुंचा है, वो क्या हमें उसके बारे में बताएंगे, तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं।